हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर चैप्टर थ्री मोर अबाउट विंडोज सेवन। ठीक है, विंडोज सेवन के बारे में हम और देखेंगे। चैप्टर थ्री पेज नंबर 23 डेस्कटॉप। तो सबसे पहले डेस्कटॉप किसे कहते हैं वो तो आप लोगों को मालूम है। ठीक है, हमारा कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं जो सबसे पहला पेज ओपन होता है उसको कहते हैं डेस्कटॉप। ये है हमारा डेस्कटॉप और ये सारे हैं हमारे आइकॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे आइकॉन्स अलग अलग पिक्चर में होते हैं। देखो यहाँ पे सारे आइकॉन्स की इमेजेस अलग अलग होती है। देखो ये कंप्यूटर का है, यहाँ पे ये रिसाइकल बिन है, यानी कि जो डिलीट करते हैं ना वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। जिस तरह से हम सारे कचरे किसमें फेंकते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं ना, सेम वे इसी तरह यहाँ पे रिसाइकल बिन में आ जाता है जो हम पीसीस में डिलीट करते हैं ना वो सारी चीजें। ठीक है, फिर ये मीडिया प्लेयर की इमेजेस है, ये आइकॉन उसका है, फिर ये गूगल क्रोम का आइकॉन्स है। ठीक है, इस तरह से हमारे आइकॉन्स अलग अलग होते हैं। ये हमारा कंप्यूटर का आइकॉन, देखो ये है दिस पीसी, यानी कि माय कंप्यूटर। ठीक है, ये है हमारा कंप्यूटर का आइकॉन। पेज नंबर 24 में देखो आप लोगों को दिखाया है कंप्यूटर आइकॉन। व्हाट एवर इज स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर इज एक्सेसिबल फ्रॉम द आइकॉन कॉल्ड कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर का आइकॉन। व्हेन यू डबल क्लिक दिस आइकॉन यू गेट द कंप्यूटर विंडो। आप इसमें जब डबल क्लिक करेंगे ना तो आप कंप्यूटर विंडो ओपन देखेंगे। देखो हम करते हैं, ठीक है, ये हमने डबल क्लिक की, ये हमारा ओपन हो गया। देखो कंप्यूटर विंडो ये हमारा पूरा ओपन हो गया। ठीक है, देखो आप लोगों को बुक में इमेजेस दी है सेम वे उसी तरह ये ओपन हुआ है। यू कैन सी वेरियस आइकॉन्स इन द कंप्यूटर विंडो, लेट अस सी व्हाट सम ऑफ दिस आइकॉन्स रिप्रेजेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ लोकल सी, लोकल डिस्क सी, देखो ये, ठीक है, लोकल डिस्क सी, दिस आइकॉन शो दैट योर कंप्यूटर हैज अ हार्ड डिस्क ड्राइव। ये क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। ठीक है, मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में सीपीयू में सेट की हुई होती है। हमारा हार्ड डिस्क में जो होता है ना वो यहाँ पे कंप्यूटर की सी ड्राइव में होता है। इट इज पॉसिबल टू डिवाइड अ हार्ड डिस्क इंटू टू और मोर पार्ट्स ईच ऑफ विच एक्ट्स एज अ सेपरेट हार्ड ड्राइव। यू कैन सी थ्री हार्ड ड्राइव्स, यहाँ पे हार्ड ड्राइव्स देखो दी गई है, यहाँ पे दो, यहाँ पे सी एंड डी ड्राइव, इस तरह से सी ड्राइव एंड डी ड्राइव होती है। ठीक है, बहुत सारे में फोर ड्राइव होती है, बहुत सारे में तीन ड्राइव होती है, सी डी ई एफ इस तरह से पूरी ड्राइव होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पीसी में, अभी हमारे पीसी में दो ड्राइव है, लोकल डिस्क सी एंड लोकल डिस्क डी। ठीक है, फिर ये देखो डीवीडी आर डब्ल्यू ड्राइव ई है। ठीक है, ये ई ड्राइव है। ई ड्राइव में क्या होता है, हम जो अपने पीसी में, जो हम अभी कंप्यूटर में सीपीयू में से जो कोई भी हम सीडी या डीवीडी इंस्टॉल करते हैं ना, तो इसमें से ओपन ई ड्राइव में से वो ओपन होता है, ड्राइव में, इस ड्राइव में से वो ओपन होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, ई ड्राइव में हम कोई भी सॉन्ग्स मूवीज वो भी सारी चीजें रख सकते हैं, डी ड्राइव में भी हम रख सकते हैं। ठीक है, ऑल द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। हम इसमें कुछ भी जो सेव करते हैं वो फाइल्स के हिसाब से वो सेव हो जाता है। देखो ये डी ड्राइव है, देखो यहाँ पे फोल्डर है, फोल्डर के अंदर देखो यहाँ पे फाइल की तरह दिया गया है, देखो है ना। ठीक है, तो इस तरह से वो सारी चीजें इसमें स्टोर की जाती है। देखो ये सी ड्राइव है, तो देखो इसमें सी प्रोग्राम फाइल्स है, देखो इसके अंदर फाइल्स है, देखो बहुत सारी इसके अंदर भी फाइल्स है। ठीक है, और फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। फाइल्स में क्या होता है, कलेक्शन होता है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। Each file has a name and can have any type of data, including drawing, text, picture, etc. आप फाइल में कुछ भी रख सकते हैं, डेटा रख सकते हैं, टेक्स्ट भी कुछ कर सकते हैं, ड्रॉइंग कर सकते हैं, पिक्चर्स की भी फाइल हो सकती है। A folder is a location for organization and sorting file. फोल्डर में क्या होता है, शॉर्टिंग होता है, जैसे कि आप लोग अलग अलग फोल्डर बन सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने बनाए हैं स्टैंडर्ड वन के, स्टैंडर्ड टू और स्टैंडर्ड थ्री, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
इट इज यूज टू प्लेस सिमिलर फाइल्स टूगेदर. इसमें क्या होता है, फाइल सारी फाइल सिमिलर होती है, लेकिन आप अपने हिसाब से सारे फोल्डर में डेटा सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है वॉलपेपर एंड स्क्रीन सेवर. ठीक है, वॉलपेपर एंड स्क्रीन सेवर से क्या होता है, चलो हम देखते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, वॉलपेपर. वॉलपेपर यानी कि ये है हमारा वॉलपेपर. डेस्कटॉप होता है, उसमें हम कोई भी पिक्चर रखते हैं ना, तो उसको वॉलपेपर कहते हैं. आप लोग देखते होंगे हमारे मोबाइल होता है, मोबाइल में भी हम आता है ना, कोई भी हमारे पिक्चर होते हैं, इसमें हम साइड में क्लिक करके देखेंगे तो सेट एस वॉलपेपर. इस तरह से आपका वॉलपेपर हम सेट करते हैं ना, सेम वे कंप्यूटर में भी यहाँ पे हम अपने हिसाब से कोई भी इमेजेस रख सकते हैं. चलो किस तरह से, तो देखो पेज नंबर 25 में उसका स्टेप्स दिए गए हैं. तो बैकग्राउंड इमेजेस दैट यू सी ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द वॉलपेपर. ठीक है, तो इमेज दैट यू सी व्हेन योर कंप्यूटर इज आइडल फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम इज कॉल्ड द स्क्रीन सेवर. डेस्कटॉप में हम कोई भी पीछे पिक्चर रखते हैं उसको कहते हैं वॉलपेपर. एंड स्क्रीन सेवर यानी कि थोड़ी देर तक हम कंप्यूटर को टच भी नहीं करते हैं. ठीक है, तो अपने आप वहां पे कोई एक इमेजेस आ जाता है, उसको कहते हैं स्क्रीन सेवर. हम यहाँ पे टाइमिंग सेट करते थे तो फिर उसको कहते हैं स्क्रीन सेवर. ठीक है, यू कैन चेंज द सेटिंग ऑफ योर वॉलपेपर एंड स्क्रीन सेवर एज पर योर चॉइस. आप अपने हिसाब से स्क्रीन सेवर एंड वॉलपेपर चॉइस कर सकते हैं. द स्टेप्स टू डू दिस आर एज फॉलोस. ठीक है, यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं. फर्स्ट, क्लिक स्टार्ट एंड गो कंट्रोल पैनल. सबसे पहले हमें स्टार्ट मेनू में जाना है, फिर कंट्रोल पैनल में हमें जाना है. ठीक है, तो देखो ये है हमारा कंट्रोल पैनल. ठीक है, आप इस तरह से भी कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं. ओके, एंड आप एक शॉर्टकट भी है, आपको डेस्कटॉप में ये एरो दिख रहा है. ठीक है, तो माउस की हेल्प से आपको राइट क्लिक करना है तो एक मेनू अपीयर होगा. देखो ये है मेनू. ठीक है, तो नीचे ये पर्सनलाइज, जो ये नीचे लिखा है ना पर्सनलाइज, उससे भी हम अपने कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं. ठीक है, देखो ये हमारा कंट्रोल पैनल ओपन हो गया. ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, द पर्सनलाइजेशन गैलरी अपीयर्स फ्रॉम दिस गैलरी. यानी कि यहाँ पे देखो हमारे कंप्यूटर में जितने भी पिक्चर होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे. ठीक है, यहाँ पे अभी तो कोई पिक्चर नहीं है इसलिए इतने ही पिक्चर दिए गए हैं. ठीक है, अगर आप भी अपने हिसाब से कोई भी पिक्चर यहाँ पे अपने सेट कर, हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे पिक्चर होते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, उस हिसाब से आप कोई भी वॉलपेपर में सेट कर सकते हैं. Changing the wallpaper. You can follow these steps to change the wallpaper. First, in the personalization gallery, click desktop background. The desktop background gallery appears. Desktop backgrounds में आपको देखो मेरे में यहाँ पे already background दिया गया है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो background में जाना है. ठीक है, ओके, यू कैन सिलेक्ट द बैकग्राउंड सेट यू वांट फ्रॉम द पिक्चर लोकेशन लिस्ट. टू, सिलेक्ट योर डिजायर्ड फोल्डर फ्रॉम द कंप्यूटर, यू कैन क्लिक द ब्राउजर बटन. आपको ब्राउजर बटन में जाना है. देखो ये है ब्राउजर बटन. आपके कंप्यूटर में बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं. ठीक है, तो ब्राउजर यानी कि आपको कोई भी पाथ सिलेक्ट करना होता है. ब्राउजर में जाएंगे तो पूरा यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में जहाँ पे पिक्चर सेव किए होते हैं ना वो पेज ओपन हो जाता है, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं. देखो यहाँ पे कोई भी पिक्चर है, फिर आप चूज पिक्चर कर सकते हैं. लेकिन मुझे यहाँ पे देखो ये दिए गए हैं, उसमें मुझे ये बैकग्राउंड सेट करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको फिर सबसे पहले सिलेक्ट करूंगी. ठीक है, चूज करना है आपको. क्लिक द क्लोज बटन ऑफ द पर्सनलाइजेशन गैलरी, द पिक्चर यू हैव सिलेक्टेड विल बी सेट ऑफ द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑफ योर डेस्कटॉप. ठीक है, तो आप यहाँ पे मैंने ये जो क्लिक किए वो हमारे देखो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई देगा किस तरह से हमारा बैकग्राउंड दिखाई देगा. ठीक है, तो देखो फिर आपको ये जो कंट्रोल पैनल का पेज आपने ओपन किया वो क्लोज कर देना. देखो हो गया ये हमारा पूरा डेस्कटॉप बैकग्राउंड वॉलपेपर.
ठीक है चेंज हो गया। इस हिसाब से आप कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग द स्क्रीन सेवर। टू चेंज द स्क्रीन सेवर ऑफ योर कंप्यूटर फॉलो द स्टेप्स। इन द पर्सनलाइजेशन गैलरी क्लिक स्क्रीन सेवर। द स्क्रीन सेवर इमेजेस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। आपको क्या करना है, जो कंट्रोल पैनल ओपन होगा उससे आपको स्क्रीन सेवर का ऑप्शन आपको देखो स्क्रीन सेवर का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है सिलेक्ट स्क्रीन सेवर फ्रॉम द स्क्रीन सेवर ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर क्या होगा, आपको स्क्रीन सेवर का एक ड्रॉप एंड डाउन का लिस्ट मिलेगा। इन द वेट बॉक्स स्पेसिफाई द मिनिट। ठीक है फिर आपको नीचे मिनिट आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। आपको नीचे एक भी मिनिट आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है। ठीक है ये है हमारा स्क्रीन सेवर। ठीक है तो स्क्रीन सेवर से क्या होगा, स्क्रीन सेवर से हम कोई भी इमेजेस सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आप कोई भी देखो यहाँ पे बबल्स है। ठीक है फिर है माइस्टिफाई फोटोस आप कोई भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। 3D टेक्स आप कोई भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखो सेटिंग में जाके आपको जो भी लिखना है, जैसे कि मुझे अभी लिखना है मेरा नेम लिखना है। ठीक है हीरल। ठीक है फिर आप फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से फॉन्ट में आपको लिखना है। देखो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिया जाएगा, जैसे कि देखो मुझे इस हैंडराइटिंग में लिखना है। ठीक है फिर इटैलिक बोल्ड, तो बोल्ड में भी हो जाएगा। ओके मैंने किया। ठीक है फिर आपको किस तरह से स्पिन करना है, थंबल करना है, सी सो आप बहुत सारी इसमें रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे ओके करना है। ठीक है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है किस तरह से आपका ये स्क्रीन सेवर होगा। फिर आपको देखना है कि कितनी सेकंड में आपको यहाँ पे कितनी मिनट के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन सेवर दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने देखो लिखा है 0.5 मिनिमम हम 1 मिनट से ही रख सकते हैं। ठीक है फिर हमें क्या करना है, ओके कर देना है। फिर हम देखेंगे 1 मिनट तक हम अपने कंप्यूटर का टच नहीं करेंगे तो अपने आप वो स्क्रीन में आ जाएंगे। चलो देखते हैं हम वेट करते हैं। ठीक है 1 मिनट तक हम अपने कंप्यूटर को टच नहीं करेंगे तो अपने आप वो स्क्रीन सेवर आ जाएगा। चलो हम वेट करते हैं। ठीक है 1 मिनट का। उसी तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी अलग इमेजेस भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ब्राउजर में जाके आप कोई भी इमेजेस अलग से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है यहाँ पे कोई भी फॉन्ट आप अलग अपने हिसाब से कुछ भी और लिख भी सकते हैं। देखो आ गया। ठीक है 1 मिनट तक हमने टच नहीं किया तो उसने अपने हिसाब से वो आ गया। ठीक है ये हो गया हमारा। फिर से हम कुछ भी टच करेंगे तो वो फिर से हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाएगा। ओके ठीक है चलो नेक्स्ट है पेज नंबर 28 में विंडोज एक्सप्लोरर। क्या है विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है विंडोज एक्सप्लोरर में क्या है, विंडोज एक्सप्लोरर इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प इन व्यूइंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। इससे क्या होगा, हम कोई भी फाइल और फोल्डर अपने हिसाब से मैनेजिंग कर सकते हैं।
तो सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट मेनू क्लिक करना है, क्लिक स्टार्ट, नेक्स्ट ऑल प्रोग्राम्स होगा, इसमें ऑल प्रोग्राम्स दिए गए हैं, इसमें से आपको विंडो एक्सप्लोरर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे विंडोज एक्सप्लोरर, तो देखो ये हो गया, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर का विंडोज एक्सप्लोरर, इसमें हमें क्लिक करना है, तो ये हमारा पेज ओपन होगा। ठीक है, तो देखो आप लोग देख सकते हैं, लेफ्ट पेन में नोन एज द नेविगेशन पेन डिस्प्लेस द ड्राइव्स एंड फोल्डर्स, यहाँ पे आपको सारे ड्राइव्स एंड फोल्डर्स भी दिए गए हैं। ठीक है, देखो आ गई ना सारी ड्राइव्स एंड फोल्डर्स, एंड राइट पेन, ये लेफ्ट पेन था, अब राइट पेन में क्या है, राइट पेन में फोल्डर्स और फाइल्स इन द सिलेक्टेड ड्राइव और फोल्डर, यहाँ पे राइट पेन में आपको फाइल और फोल्डर दिख रहे हैं ना, डेस्कटॉप डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर की। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट, आपको क्या करना है, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज यानी के देखो यहाँ पे आपको न्यू लाइब्रेरी का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, न्यू लाइब्रेरी यानी कि आप और भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी तरह मेरे में ये देखो लाइब्रेरी की तरह है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, आप कोई भी पिक्चर की इमेजेस सारी इसमें स्टोर कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई नई चीजें, वीडियो पिक्चर की डॉक्यूमेंट्स की सारी पिक्चर आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, यानी कि इन द लेफ्ट पेज ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर स्क्रीन क्लिक द ड्राइव ऑफ द फोल्डर इन विच अ न्यू फोल्डर इज टू बी क्रिएटेड। देखो विंडोज एक्सप्लोरर में ही हमें ओपन करना है। ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर हम ओपन करते हैं। ठीक है, ये विंडो एक्सप्लोरर हमने ओपन किया, विंडो एक्सप्लोरर में क्या करना है, लेफ्ट पेन में, ये है लेफ्ट पेन। ठीक है, लेफ्ट पेन में हमें कहीं पे भी, यानी कि देखो ये डॉक्यूमेंट में है, फिर पिक्चर की फाइल में है, फिर डेस्कटॉप में, कहीं पे भी आपको नया फोल्डर बनाना है तो इसमें आप सेट करके ऑलरेडी आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि अ न्यू फोल्डर, आपको क्या करना है, देखो ये है न्यू फोल्डर का ऑप्शन है। देखो ठीक है, मुझे देखो ये हमारे पिक्चर की पिक्चर का है, उसमें मुझे न्यू फोल्डर बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो ये न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, ये क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली एक न्यू फोल्डर ओपन हो जाएगा इमेज के साथ। और अगर इस तरह से आपको नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, माउस में राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स में देखो एक न्यू लिखा है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो इसमें सबसे पहला देखो ये है फोल्डर, उसमें आप क्लिक करेंगे ना फिर से तो भी एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें दोबारा क्लिक करेंगे तो ओपन हुआ ना ये। ठीक है, इस तरह से आप अपने हिसाब से नया फोल्डर बना सकते हैं। फिर क्या है, रीनेमिंग अ फाइल और अ फोल्डर, यानी के आप रीनेम, यहाँ पे सिर्फ न्यू फोल्डर लिखा है। ठीक है, आप कोई भी चीजें इसमें सेव करेंगे लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि मैंने ये चीजें किसमें लिखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप रीनेम यानी कि आप फिर से उसमें नया नाम डाल सकते हैं, तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा किसमें मैंने क्या चीजें डाली है। ठीक है, तो क्या करना है, इन द राइट पेन क्लिक द फाइल और द फोल्डर यू वॉन्ट टू रीनेम, यू डू नॉट नीड टू ओपन इट। ठीक है, उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहले क्या करना है, राइट क्लिक करनी है। ठीक है, फोल्डर सिलेक्ट करके फिर माउस में से राइट क्लिक करेंगे तो फिर ये इधर इस तरह से बड़ा मेनू ओपन होगा। ठीक है, उसमें रीनेम देखो यहाँ पे है, लास्ट में होगा रीनेम, उसमें जाके आप क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हैं। फिर कर्सर को यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये हमें इरेज कर देना है। अगर आपको लगे चलो मुझे ये फोल्डर का नाम लिखना है वर्कशीट, अभी मैं एग्जाम्पल के लिए वर्कशीट लिखती हूँ, आप लोगों को वर्कशीट तो बहुत सारी आती है ना, तो वर्कशीट। ठीक है, इस तरह से टाइप करके आपको एंटर कर देना है तो उसका फोल्डर का रीनेम हमने कर दिया। ठीक है, तो अब सारी वर्कशीट आप लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं, तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा ना कि सारी वर्कशीट इस फोल्डर में है। ठीक है,
फिर एक कॉपिंग एंड मूविंग ऑफ फाइल और फोल्डर, ठीक है, आप कॉपी भी कर सकते हैं फाइल और फोल्डर को और मूव भी कर सकते हैं अपने फाइल और फोल्डर को। कॉपिंग ऑफ फाइल और फोल्डर इज प्लेसिंग इट इन अनदर लोकेशन डेस्टिनेशन विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे ओरिजिनल लोकेशन से दूर किए बगैर आपको दूसरी जगह पे ये कॉपी करना है या मूव करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट किस तरह से हम करेंगे, फर्स्ट क्लिक द फाइल और द फोल्डर टू बी कॉपीड और मूव, जो फाइल और फोल्डर हमें कॉपी मूव करना है उसमें सबसे पहले क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये वर्कशीट का फोल्डर है उसको ही हम कॉपी और मूव करते हैं, ठीक है। तो इस बार मैंने एक ही बार क्लिक किया है तो वो सिलेक्ट हो गया है। फिर क्या करना है, राइट क्लिक द फाइल और फोल्डर यू वॉन्ट टू कॉपी और कट एंड सिलेक्ट टू कॉपी इन द कंटेंट्स मेनू। क्या करना है आपको, राइट क्लिक करनी है माउस में से, इसमें देखो कॉपी कट का ऑप्शन दिया गया है तो हमें अभी कॉपी करना है, तो जो COPY कॉपी लिखा है उसमें हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा कॉपी हो गया है। नेक्स्ट क्या है, यू विल फाइंड द फाइल और फोल्डर कॉपी टू द डेस्टिनेशन फोल्डर, आपको जहाँ पे भी आपको उसको कॉपी करना है, जैसे कि मुझे करना है डेस्कटॉप में, ये हमारा डेस्कटॉप है, तो फिर क्या करेंगे, फिर से हम राइट क्लिक करेंगे उसमें पेस्ट, कॉपी करके पेस्ट, यानी कि ये पेस्ट का ऑप्शन है उसमें क्लिक करेंगे तो देखो ये हो गया हमारा, यहाँ पे कॉपी हो गया, आ गया ना हमारा वही फोल्डर इसमें भी वापस, ठीक है। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ जो वर्कशीट का फोल्डर यहाँ पे है सेम वही फोल्डर यहाँ पे भी है, यानी कि एक ही चीज आप कहीं पे भी उसमें कंप्यूटर में दूसरी जगह पे कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट है डिलीटिंग अ फाइल और अ फोल्डर, यानी कि कोई भी आप डिलीट भी कर सकते हैं और, ठीक है, जैसे कि क्लिक द फाइल और द फोल्डर टू बी डिलीटेड, आप कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं तो चलो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो भी आपको डिलीट करना है उसको सबसे पहले एक बार क्लिक करके सिलेक्ट करना है, तो मैंने ये वर्कशीट का फोल्डर सिलेक्ट किया है, फिर क्या करना है, राइट क्लिक करके राइट क्लिक द फोल्डर एंड सिलेक्ट द डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू, ये मेनू जो ओपन हुआ उसका कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मेनू, इसमें डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, सबसे लास्ट में होता है डिलीट का ऑप्शन, ये रहा डिलीट, आप डिलीट करेंगे तो ये हमारा वर्कशीट का फोल्डर डिलीट हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, अ मैसेज बॉक्स विल अपीयर, एक मैसेज बॉक्स भी आपको ओपन होगा, क्लिक यस, अगर आप यस करेंगे तो रिसाइकल बिन में से भी क्लिक इरेज हो जाएगा, ये हमने मैंने बताया था रिसाइकल बिन, तो अभी हमने जो फोल्डर डिलीट किया ये वर्कशीट का फोल्डर रिसाइकल बिन में भी आ जाएगा, यानी कि अगर कभी कभी ऐसा होता है आपने बहुत सारी चीजें डिलीट की है फिर आपको अचानक से याद आए कि मुझे तो वो वापस चाहिए तो रिसाइकल बिन में से वो आपको वापस मिल जाएंगी, और आपको लगे कि चलो ये रिसाइकल बिन में भी मुझे नहीं चाहिए तो फिर से आपको रिसाइकल बिन में भी जाके आपको फिर से डिलीट कर देनी है, ठीक है, ये रहा डिलीट। फिर आपको इसी तरह से एक बॉक्स आएगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, आपको ये श्योर है कि परमानेंटली आपको उसको डिलीट करना है, अगर आपको नहीं करना है तो नो में क्लिक करना है, और आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो यस में आपको क्लिक करना है, तो ये परमानेंटली डिलीट हो गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।